नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आपके हाथ की कोई रेखा अपने अंत में जाकर के दो मुंह वाली हो जाए, दो मुखी हो जाए, तो उसके क्या परिणाम होते हैं, किस प्रकार आपको अपने जीवन में उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं, समस्त बिंदुओं पर आज की वीडियो में मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। आज का हमारा विषय है हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार दो मुखी रेखा का आपके जीवन में क्या फल होता है। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए विलंब ना करते हुए विषय को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपकी जीवन रेखा के विषय में। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा लास्ट में जाकर के दोहरी हो जाए, जीवन रेखा में से एक शाखा निकल करके दाएं या बाएं की तरफ थोड़ा मूवमेंट कर जाए और वह वी सिंबल बना ले, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्षशील और उन्नतिशील होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है, चाहे भूमि सुख हो, चाहे वाहन का सुख हो, चाहे स्त्री का सुख हो, लेकिन वह सारे के सारे सुख उसको अपने दम पर, अपने बाहुबल से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से प्राप्त करने पड़ते हैं। ऐसे आदमी को अपने पिता से या पैतृक जो एक प्रॉपर्टी होती है वो कुछ भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन ऐसा व्यक्ति सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त करता है। जिसके जीवन रेखा के अंत में वी सिंबल होता है, जीवन रेखा अंत में दो मुखी होती है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में यात्राएं बहुत ज़्यादा करता है, या ये कहें कि ऐसे व्यक्ति को यात्राओं के द्वारा ही सफलता प्राप्त होती है और घर से, अपने घर से कुछ दूरी पर ऐसे आदमी का भाग्योदय होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मस्तिष्क रेखा के विषय में। मस्तिष्क रेखा किसी भी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को प्रदर्शित करती है। व्यक्ति के अंदर दिमाग कितना है, सोचने समझने की क्षमता कैसी है, मेमोरी पावर इसकी कैसी है। यदि किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा लास्ट में जाकर के डबल हो जाए, वी सिंबल बना ले, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि अत्यधिक प्रखर होती है। ऐसे लोग व्यापार में रुचि रखते हैं और बहुत कम बैकग्राउंड होते हुए, बहुत कम बैलेंस होते हुए भी ऐसे लोग व्यापार में बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित करते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा का एक छोर बुध क्षेत्र की तरफ थोड़ा ज़्यादा चला जाए, थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा कर जाए, तो ऐसे लोगों को व्यापार में आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम टाइम में बड़ी सफलता प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर के मस्तिष्क रेखा में वी सिंबल बनना भी बेहतर माना जाता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर, आपकी हृदय रेखा पर। हृदय रेखा व्यक्ति की संवेदनशीलता, उसकी भावनाओं को प्रदर्शित करती है। और दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के हृदय रेखा के लास्ट में, अंत में दोहरी हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, कभी किसी को धोखा नहीं देते, ऐसे व्यक्ति झूठ बोलने में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। भारतवर्ष में हर पांच में से एक या दो व्यक्ति की हृदय रेखा अंत में डबल वी सिंबल वाली पाई जाती है। दोस्तों, हृदय रेखा यदि थोड़ी सी ज्यादा लंबी होकर के बृहस्पति क्षेत्र तक चली जाए, उसकी दोनों शाखाएं, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, अपना पूरा जीवन भावनाओं के आधार पर जीता है। ऐसा व्यक्ति दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता, छोटी छोटी बातों को बहुत डीपली सोचना ऐसे आदमी का स्वभाव बन जाता है, नेचर बन जाता है। अब बात कर लेते हैं सबसे मुख्य बिंदु आपकी भाग्य रेखा के विषय में। भाग्य रेखा को हमारी ज्योतिष में शनि रेखा भी कहा जाता है। और यदि किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा अंत में जाकर के दो मुख वाली हो जाए, दो मुही हो जाए, और भाग्य रेखा बीच में टूटी फूटी ना हो, तो मित्रों समृद्धि नाम का एक महाराजयोग बनता है।
ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखते, बहुत ज़्यादा खुद्दार होते हैं। बड़ी बड़ी समस्याएं आने पर भी ऐसे व्यक्तियों को किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति अपने पिता और भाई से भी पैसा मांगने में या किसी प्रकार की सहायता मांगने में गुरेज करते हैं। बहुत देर से ऐसे लोग किसी को कुछ कहते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़ी मेहनत से, परिश्रम से अपना साम्राज्य स्वयं खड़ा करते हैं। कुल मिलाकर के यह आपकी भाग्य रेखा को डबल शक्ति प्रदान करेगा और यह एक अच्छा लक्षण है। प्रिय मित्रों, सूर्य रेखा पर या सूर्य रेखा का अंत में दोमुही हो जाना व्यक्ति के जीवन में उसकी बहुमुखी प्रतिभा जो है, उसकी कई प्रकार की प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे गायक भी हो सकते हैं, अच्छे डांसर भी हो सकते हैं, अच्छे लेखक भी हो सकते हैं। और सूर्य क्षेत्र पर तीन या चार रेखाएं अगर छोटी 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 बनी हो तो दैट कंडीशन व्यक्ति कई मार्गों से पैसा कमाता है। तो दोस्तों, दोमुही रेखा व्यक्ति के जीवन में एनर्जी एंड मैनर्स दोनों का बूस्टर होती है, दोनों को बढ़ाती है। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए ऐसे। तब तक के लिए नमस्कार।